दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के समय में प्यार करना या लव रिलेशनशिप में रहना तो काफ़ी आसान है, लेकिन रिश्ते को बरकरार रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर से अलग होने का विचार कर लेते हैं, और जब एक रिश्ता टूटता है तो वह ना जाने कितना दर्द देकर जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार तो जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, यहाँ तक कि किसी भी काम में मन नहीं लगता। चलो बताते हैं कि कौन कौन सी बातें यदि आपके रिश्ते में हो रही हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों यदि आप लव रिलेशनशिप में रहने के बाद भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या करती हैं, आपका पार्टनर आपको समय नहीं देता या वह किसी दूसरी ओर आकर्षित हो चुका है या हो चुकी हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यदि समय रहते स्थितियां संभाल लेंगे तो रिश्ते को बचा सकते हैं, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपका रिश्ता टेंशन बन जाता है, हमेशा रिश्ते को लेकर आप तनाव में रहने लगते हैं, आपका सोना खाना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे रिश्ते से आपका बाहर हो जाना ही अच्छा है। यदि रिश्ता पत्नी का है तो स्थितियों को संभालने की कोशिश करें, थोड़ा समय देने का प्रयास करें, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते से पत्नी का रिश्ता काफ़ी हटकर होता है, यानी कि पत्नी के रिश्ते से बाहर जाना इतना आसान नहीं होता। 2, दोस्तों यदि आपका पार्टनर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है या उठाती है, आपके रिश्ते में भावनात्मक सोच और सूझबूझ की कमी है, भावनाओं से ज़्यादा रिश्ता स्वार्थ और ज़रूरत पर टिका है, आपके रिश्ते में शक और संदेह की स्थितियाँ हमेशा बनी रहती हैं, या दोनों के बीच में आत्मविश्वास की कमी है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे में हमेशा कमियां खोजते और निकालते हैं, या जानबूझकर आपको अनदेखा किया जा रहा है, तो ऐसे रिश्ते से आपका दूर हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि प्यार का रिश्ता टेंशन दूर करने के लिए होता है, ना कि टेंशन बढ़ाने के लिए। 3, दोस्तों यदि आपका पार्टनर अपने आप को ज़्यादा प्यार जताने वाला और करने वाला समझता है या समझती है, वह आपको हर एक मामले में लापरवाह साबित करने की कोशिश करता है या करती है, हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर वाद विवाद और मनमुटाव की स्थितियां पैदा कर देता है या कर देती है, यहां तक कि अपने आगे आपकी एक भी नहीं चलने दी जाती, तो आपको ऐसे रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। 4, अगर आपका पार्टनर हमेशा आपकी खुफिया करता है, आप पर निगरानी रखी जाती है, आपको पर्सनल स्पेस नहीं देता या देती, आपके ऊपर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि जो आपको पसंद नहीं है वैसा ही करता है या करती है, यहाँ तक कि कोई भी काम बिगड़ जाता है तो आपको ही दोषी ठहराया जाता है, तो आपको समय रहते ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए।